सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आती है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। आज का पंचांग 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 10:12 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार, किसी दुर्घटना या चोरी की वजह से मुकदमे की संभावना है। कड़ी मेहनत अभी जरूरी है। जो आप पर निर्भर है उनका ध्यान रखें, जैसे बच्चे और आपके पालतू जानवर। सेवा करना या स्वयं सेवक के रूप में कार्य करना अभी आपके लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है। रोमांस और धन के मामले में भाग्य आपके साथ है। जो आप इस समय पाएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। संभावनाओं को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए अपनी गुप्त कौशल का उपयोग करें। आशा सबसे रोमांचक चीजों में से एक है, इसलिए ईमानदारी से खुद पर विश्वास करें। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी भावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकती हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। स्वयं को शांत बनाए रखें, क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके चलते आप काफी मुश्किल में पड़ सकती हैं। खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें, यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर पागलपन है। बिना बुलाया कोई मेहमान आज घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़े और यथार्थवादी बने। कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। प्यार की मधोशी महसूस करेंगी, इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी कपड़े ले सकती हैं। प्यार नजदीकी मस्ती मजा जीवन साथी के साथ यह एक अच्छा दिन रहेगा। पिछले कुछ समय से जो उलझने चल रही थी अब उसमें कुछ समाधान मिलना शुरू होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। अपने और पराए का आकलन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही करें, इससे आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम रहेंगी। सही लोगों के साथ जुड़ने से काम का विस्तार होगा। अचानक किसी व्यक्ति की पैसों की मदद प्राप्त हो सकती है। योजना के अनुसार काम करें, डिसिप्लिन बनाए रखें। लोग आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों के लिए जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उन पर ध्यान दें। विद्यार्थियों को प्रयत्नों के अनुसार सफलता मिलती रहेगी। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। सर्दी बुखार की तकलीफ भी होगी। सावधानियां, किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से और आवेश की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर व्यस्तता रहेगी, जिस वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्थगित भी करने पड़ सकते हैं। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें, कोई धोखा हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाली हैं, जो पूरी उम्र आपका साथ देंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी को कम समय दे पाएंगे।
आपका रोमांटिक मूड प्यार में आपके उत्साह को और भी बढ़ा देगा। आज आपका आर्थिक से लेकर रोमांटिक जीवन सब कुछ बेहतरीन है। अगर सच में प्यार पर भरोसा है तो वो आपको अवश्य ही मिलेगा जिसे आप चाहते हैं। रोमांस में आपको केवल पहल करने की ही जरूरत है, उसके बाद प्रेमी की मनचाही प्रक्रिया प्राप्त होगी। जीत के लिए आशा की रस्सी को मजबूत और मन में विश्वास रखें। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपनी पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस ना लौटे। गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पड़कर अपनी लव लाइफ को ना भूलें। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले कर्म के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अच्छी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आ जा सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगी, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आज दोस्तों के साथ समय बिताकर आप न केवल अपनी उदासी से छुटकारा पाएंगे, बल्कि अपनी कौशल का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। अपने उत्साह या सेवा की गुणवत्ता में बढ़ावा करके आप मार्केट में धूम मचा सकते हैं। किसी खास से मिला धोखा आपके लिए भविष्य में सबक साबित होगा। आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धन और रोमांस के मामलों में भाग्य आपके साथ है। आज हर काम पूरी निष्ठा से करें और पूरी बातों का भी ध्यान रखें। उम्मीद सबसे रोमांचक चीजों में से एक है और जिसे आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। याद रखें, जो भी आप बोएंगे बाद में उसी को काटेंगे। व्यवसाय संबंधी सभी गतिविधियां व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित होती रहेगी। मीडिया फोन द्वारा आपको महत्वपूर्ण अनुबंध मिलेंगे। नौकरी पेशे लोगों को अचानक बदलाव वाली अच्छी स्थिति मिल सकती है। साथ ही अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता भी बढ़ेगी। बात करती हैं सेहत की। इसमें आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग के नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।